अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन फ्रॉम द बैटल ऑफ ओहद, गज़वा ओहद से सबक, यानी कि मुसलमानों को क्या सबक मिला इस गज़वे से। और इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे इस लेसन का पार्ट वन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना लेसन अब हम स्टार्ट करते हैं। द बैटल ऑफ ओहद वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ द बैटल ऑफ बदर। गज़वा ओहद जो है ये एक एक्सटेंशन कहते हैं तसलसल को, तोसी को, मतलब ये एक वही तसलसल था किस चीज़ का, बैटल ऑफ बदर का। गज़वा बदर का ही एक तसलसल था। क्यों ऐसा कहा है, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बैटल ऑफ बदर में मुसलमानों को जो है फतह हुई थी और जो कुरैश थे, कुफार थे कुरैश के, उन्हें शिकस्त हुई थी। तो अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए कुफार ने दोबारा से हमला किया, इसलिए इसे दोबारा जब लड़ाई हुई तो उस जंग को कहते हैं बैटल ऑफ ओहद। स्मार्टिंग अंडर द इग्नोमिनी ऑफ देयर एट बदर। स्मार्टिंग कहते हैं दर्द को, अंडर द इग्नोमिनी, इग्नोमिनी होता है शिकस्त, कि उन्हें जो शिकस्त का दर्द जो महसूस हुआ था ना एट बदर, जंगे बदर के मकाम पर। द कुरैश ऑफ मक्का, तो मक्का के जो कुरैश थे, असेंबल्ड अ लार्ज आर्मी ऑफ 3000 पर्संस। तो उन्होंने क्या किया था कि 3000 लोगों का जो आर्मी है, यानी कि लश्कर है, बड़ा लश्कर इकट्ठा किया एंड मार्च्ड टू मदीना। मार्च्ड होता है चहलकदमी करना, पेशकदमी करना, और उन्होंने मदीने की तरफ पेशकदमी की। टू एवेंज देयर अर्लियर डिफीट, अपनी जो पहली वाली शिकस्त है उसके बदला लेने के लिए। द फोर्स वॉज लेड बाय अबू सुफियान। ये फोर्स यानी कि इस लश्कर की लेड बाय क़यादत कर रहा था, कौन कर रहा था, अबू सुफियान कर रहे थे। विच इंक्लूडेड एवरी अडल्ट फ्रॉम द कुरैश, जहाँ पर जिसमें कुरैश का हर जो है नौजवान वो शामिल था इस लश्कर में। द फोर्स वॉज फुली इक्विप्ड विद वॉर वेपन्स एंड अकम्पेन्ड बाई अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ वुमेन हु सेंग सॉन्ग्स टू इंस्पायर दी वेरियर्स। अब उस हमें लश्कर का अहवाल बता रहे हैं। द फोर्स वॉज फुली इक्विप्ड, कि वो जो लश्कर था मुकम्मल तौर पर लेस था किस चीज़ से, विद वॉर वेपन्स, जंगी जो हथियार हैं वो मुकम्मल तौर से उन पर उनसे लेस था। एंड अकम्पेन्ड बाय, अकम्पेन्ड होता है हमरा होना, और उनके हमरा क्या था, अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ वुमेन, औरतों की जो है अच्छी खासी काफ़ी तादाद मौजूद थी। और वो किस लिए थी, हु सेंग सॉन्ग्स, जो क्या करती थी, गाने गाती थी। टू इंस्पायर दी वेरियर्स, के जो जंगजू हैं उन्हें इंस्पायर यानी कि उन्हें जोश दिलाने के लिए गाने गाती थी, उनका जोश बढ़ाने के लिए। द कुरैश वर कॉन्फिडेंट दैट दिस टाइम दे वुड विन एंड टीच द मुस्लिम्स अ लेसन। जो कुरैश थे, कुफारे कुरैश थे, वर कॉन्फिडेंट दैट, उन्हें इस बात का यकीन था कि दिस टाइम, इस वक्त जो है, दे वुड विन, कि वो जंग जीत कर टीच दी मुस्लिम्स अ लेसन, मुसलमानों को एक सबक जो है वो सिखाएंगे। वेन दी होली प्रॉफिट मोहम्मद केम टू नो ऑफ द इंटेंशंस ऑफ द कुरैश ऑफ मक्का, जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश मक्का के जो इंटेंशंस हैं यानी कि इरादे हैं उसका पता चला। ही हेल्ड अ कौंसिल ऑफ वार, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है क्या किया, कौंसिल ऑफ वार यानी कि जो जंगी शूरा है उसका इजलास बुलवाया। ही वॉज पर्सनली ऑफ द ओपिनियन दैट इन द व्यू ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एनिमी, के आप सल्लम की ज़ाती तौर पर यह राय थी दुश्मनों की तादाद को देखते हुए, द प्रॉपर कोर्स फॉर द मुस्लिम वॉज टू रिमेन इन मदीना एंड लेट द एनिमी बिसीज द सिटी। द प्रॉपर कोर्स, के मुनासिब जो रास्ता है फॉर द मुस्लिम, मुसलमानों के लिए, वॉज टू रिमेन, वो ये थे कि वो रहें इन मदीना, मदीना के अंदर ही रहें, एंड लेट द एनिमी बिसीज द सिटी। बिसीज होते हैं मुहासरा करना, और दुश्मनों को शहर का यानी कि शहर मदीना का मुहासरा करने दें, यानी कि दुश्मन चारों तरफ से शहर को घेर ले। द आइडिया वॉज दैट, उनका ख्याल ये था कि इफ़ द एनिमी बिसीज्ड द सिटी, कि अगर दुश्मन जो है शहर का चारों तरफ से मुहासरा कर लेंगे, इट्स फोर्स वुड हैव टू बी डिस्पर्स्ड इन अ नंबर, तो क्या होगा कि उनकी जो फोर्स है, उनका जो लश्कर है, तो वो
वुड हैव टू बी डिस्पर्स होता है मुंतशिर हो जाना, वो फैल जाएगा मुंतशिर हो जाएगा इन आर नंबर्स यानी कि टुकड़ों में ऑफ सेक्टर्स एंड द मुस्लिम कुड स्ट्राइक अ ब्लो एट द एनिमी। अब क्या है कि उनका जब लश्कर टुकड़ों में बढ़ जाएगा मुस्लिम कुड स्ट्राइक अ ब्लो, तो मुसलमान जो है वहाँ पर स्ट्राइक अ ब्लो कारी ज़र्ब लगाएंगे या चोट मारेंगे या हमला करेंगे एट द एनिमी दुश्मनों पर, कहाँ पर वेयर द एनिमीज़ कॉन्सेंट्रेशन वॉज द वीकेस्ट, जहाँ पर दुश्मन कमज़ोर होगा। यानी कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चारों तरफ से दुश्मनों को घेर लेने दें, जहाँ पर दुश्मन कमज़ोर होगा यानी कि थोड़े लोग होंगे वहाँ पर हमारे आदमी जाकर उनको उन पर हमला कर देंगे, क्योंकि मुसलमानों की तादाद कम थी मुसलमान जंगजुओं की, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये प्लान किया। क्योंकि अभी ये जंगी शूरा का इजलास हो रहा है तो बाकी लोग भी अपने मशवरे देंगे। द यंगर एलिमेंट्स अमंग द मुस्लिम, तो अब जो उसमें नौजवान जो एलिमेंट्स हैं अनासिर हैं यानी कि नौजवान सहाबा कराम हैं मुसलमानों के दरमियान, हाउ एवर इंसिस्टेड, ताहम वो ये इसरार करते रहे क्या, दैट द बैटल शुड बी फॉट इन द ओपन एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम मदीना। अब नौजवान जो थे उनका ये था, क्योंकि वो नौजवान जोश व खरोश से भरे हुए थे, जंग के जज्बों से लबरेज थे, वो क्या उन्होंने कहा कि बैटल शुड बी फॉट, कि जंग जो है वो लड़ी जानी चाहिए इन दी ओपन, किसी खुली जगह पर, एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम मदीना, कुछ फासले पर मदीना से दूर। देयर आर्गूमेंट वॉज दैट, उनका अब आर्गूमेंट यानी कि उनका जो दलाइल हैं नौजवान के वो ये थे, वॉज दैट द एनिमी शुड नॉट बी अलाउड टू अप्रोच मदीना एट एनी कोस्ट, कहते थे कि किसी भी सूरत में, मतलब नौजवान नस्ल की जो है सहाबा किराम की दलील ये थी कि दुश्मन को किसी भी सूरत मदीने के अंदर जो है वो पहुँचने ही ना दिया जाए, यानी कि मदीने से बाहर ही उनका खात्मा कर दिया जाए। दो द होली प्रॉफिट मोहम्मद बिलीव्ड दैट द डिफेंसिव स्ट्रेटजी प्रपोज्ड बाय हिम वाज द बेस्ट इन द सर्कमस्टांसिस, अगरचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलीव्ड दैट, इस बात पर यकीन रखते थे द डिफेंसिव स्ट्रेटजी, के जो दिफाई हिकमत अमली उन्होंने तैयार की थी, प्रपोज्ड बाय हिम यानी कि आपने बताई थी कि हम मदीने के अंदर रहते हुए ही दुश्मनों को मुहासरा करने दें, तो वाज द बेस्ट, वो बेहतरीन थी इन द सर्कमस्टांसिस, इन हालात में, क्यों कौन से हालात थे कि मुसलमान कम थे ना तादाद में, इसलिए। येट इन डिफरेंस टू द एंथेसियम ऑफ द यंग मैन टू कीप द एनिमी अवे फ्रॉम द मदीना, लेकिन अब ये जो था डिफरेंस यानी कि जज्बा था कौन सा, टू एंथेसियम उनका शौक था ऑफ द यंग मैन टू कीप द एनिमी अवे फ्रॉम द मदीना, यानी कि नौजवानों के जज्बात के एहतराम के तौर पर आपने क्या किया कि कौन से जज्बात थे नौजवानों को, कि दुश्मनों को ना मदीना से दूर रखा जाए, तो इस जज्बे का एहतराम करते हुए ही एग्रीड, आप राज़ी हो गए टू मीट द एनिमी इन द ओपन आउटसाइड मदीना, कि हम दुश्मनों से इन द ओपन साइड मदीना, मदीने से बाहर किसी खुली जगह पर लड़ाई करेंगे। द मुस्लिम कुड असेंबल अ फोर्स ऑफ 1000 पर्सन्स ओनली, अब मुसलमान सिर्फ क्या है 1000 अफराद पर मुश्तमिल जो है लश्कर जमा कर सके, उनकी स्ट्रेंथ है 3000 और मुस्लिम्स की है यहाँ पर 1000। When the Holy Prophet Muhammad give the order for the march to the battlefield, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने battlefield यानी कि मैदान जंग की तरफ मार्च पेशे कदमी का हुक्म दिया, 300 hypocrites मुनाफिकीन led by अब्दुल्ला बिन उबी withdrew and went their homes। अब क्या हुआ कि hypocrites मुनाफिकीन को कहते हैं ना, कि जिनके दिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ अभी माइल नहीं हुए होते, ऊपर से मतलब कुछ और बन रहे होते हैं, दिल में कुछ और होता है, तो वो जो मुनाफिकीन हैं led by जिनकी क़यादत कर रहे थे अब्दुल्ला बिन उबे, withdrew वो निकल गए एंड वेंट देयर होम्स और अपने घरों को चले गए, मतलब बस डर से ही कि हम कहीं हम मारे ना जाएं। द होली प्रॉफिट वाज थस लेफ्ट विद 700 पर्संस ओनली, अब क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 700 जो अफराद हैं वो रह गए, एंड दिस वाज 1/4, अब ये एक चौथाई हिस्सा था ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एनिमी, दुश्मन की ताकत के मुकाबले में। उहद अ फ्यू माइल्स फ्रॉम मदीना
was a great stretch of barren rock, rising out of the desert without any growth of vegetation. अब हमें यहाँ पर जो ओहद की पहाड़ी है उसका थोड़ा सा नक्शा बता रहे हैं. ओहद क्या है? अ फ्यू माइल्स फ्रॉम मदीना, मदीना से चंद मील के फासले पर, वाज अ ग्रेट स्ट्रेच, जो कि काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, ऑफ बैरन रॉक. वहाँ पर क्या है? बैरन कहते हैं बिल्कुल ही बंजर, रॉक कहते हैं चट्टान को, मतलब बंजर चट्टानों पर मुश्तमिल वो पहाड़ी है. राइजिंग आउट ऑफ द डेजर्ट, जो कि बंजर जो चट्टान है उस पर ही मुश्तमिल आप सहरा कह लें, सहरा जो है उस तरह का है. विदाउट एनी ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, जहाँ पर किसी भी किस्म की कोई वेजिटेशन यानी कि सब्ज़ा नहीं है. यानी कि हमें नक्शा बताया है थोड़ा सा ओहद की पहाड़ी का कि बंजर है और पथरीली ज़मीन है वहाँ पर, यानी कि पत्थर ही पत्थर है, सब्ज़ा बिल्कुल भी नहीं है. द होली प्रॉफिट कमांड द मुस्लिम वेरियर्स टू टेक अप देयर पोजिशन एट ओहद ऑन द राइजिंग ग्राउंड. अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमांडेड, हुक्म दिया मुस्लिम वैरियर, जो मुसलमान जो जंगजू थे, उनने किस चीज़ का? टू टेक अप देयर पोजीशन, कि वो अपनी पोजीशन संभाल लें एट ओहद, ओहद के मकाम पर, ऑन द राइजिंग ग्राउंड, ताकि जहाँ से वो नीचे जो ज़मीन है वहाँ पर मुकाबला कर सकें या देख सकें. अ बैंड ऑफ आर्चर्स टुक अ पोजीशन ऑन द एडजॉइनिंग माउंट बिहाइंड द मेन पोजीशन. अब क्या है कि अ बैंड ऑफ आर्चिज, आर्चिज कहते हैं तीर अंदाजों को, बैंड दस्ता, तीर अंदाजों का जो एक दस्ता था उन्होंने क्या किया? टुक अप पोजीशंस, अपनी पोजीशन संभाल ली ऑन द एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग जो होता है साथ मिला हुआ जो टेला था, माउंट टेला, बिहाइंड द मेन पोजीशन, यानी कि आगे भी एक मेन पोजीशन बिठाई, तीर अंदाजों का एक टोला थोड़ा आगे बिठाया और साथ ही जुड़े हुए टेले पर दूसरी पोजीशन लोगों की बिठाई. द आर्चर्स वर कमांडेड नॉट टू अबंडन देयर पोस्ट under any circumstances without the approval of the holy prophet. अब ये सबसे अहम बात है, the archers were commanded, वो जो तीर अंदाज हैं जिनको दो जगह बिठा दिया गया है ओहद की पहाड़ी के ऊपर, were commanded, उन्हें ये हुक्म दिया गया था not to be abandon their post, कि उन्होंने किसी भी सूरत जो है अपनी जगह नहीं छोड़नी, under any circumstances, चाहे किसी भी किस्म के हालात हो जाएं, चाहे हालात कुछ भी हो जाएं, अपने जो वो जगह है, जो मोर्चे हैं वो ना छोड़ें, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द होली प्रॉफिट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बग़ैर. आफ्टर द ड्यूल्स, ड्यूल्स कहते हैं कि जब दो लोगों की लड़ाई में दो लोग आमने सामने हो जाए ना, यानी कि जब मुसलमान और कुफार आमने सामने हो गए, द बैटल बिगन, तो जंग जो है वो शुरू हुई. द कुरैश वर चार्ज्ड विद ग्रेट फोर्स, अब कुरैश जो है, कुफार जो कुरैश के, उन्होंने क्या किया? चार्ज्ड विद ग्रेट फोर्स, बहुत बड़ी ताकत से, कुव्वत से हमला किया, क्योंकि वो लोग स्ट्रेंथ में ज़्यादा थे. बट द मुस्लिम्स हेल्ड फास्ट, लेकिन मुसलमानों ने क्या किया? हेल्ड फास्ट के डट कर मुकाबला किया, डरे नहीं, पीछे नहीं हटे. देन इन अ काउंटर अटैक, काउंटर अटैक कहते हैं जवाबी हमले में. फिर जवाबी हमले में, पहले यहाँ पर बताया ना कि ग्रेट फोर्स के कुफार ने बहुत बड़ी ताकत से हमला किया है, मुसलमान डटे रहे. अब कुफार के हमले, काउंटर अटैक, जवाबी हमले में, द मुस्लिम्स ब्रोक द एनिमीज लाइन, मुसलमानों ने ब्रोक, तोड़ दी. क्या तोड़ दिया? एनिमीज लाइन, दुश्मनों की लाइन, यानी कि दुश्मनों की जो कतारें थीं, दुश्मनों की सफ़ें थीं, उसके अंदर घुस गए, उनकी सफ़ों को तोड़ दिया, उनकी कतारों को तोड़ दिया. एंड द कुरैश फेल बैक, अब इससे क्या हुआ कि कुरैश जो है फेल बैक, वो पीछे हट गए. एट दिस स्टेज, इस मरहले पर, द कॉन्टिजेंट ऑफ द मुस्लिम्स आर्चर्स, अब मुसलमानों के जो तीर अंदाजों का जो दस्ता था, कॉन्ट्रेरी टू द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन ऑफ द होली प्रॉफिट के कॉन्ट्रेरी, इसके बरक्स, टू द इंस्ट्रक्शंस, हिदायत के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के बरक्स, लेफ्ट देयर पोजिशन, उन्होंने क्या किया? अपनी जो पोजिशन है, अपनी जगह जो है वो छोड़ दी. इन ऑर्डर, क्यों छोड़ी? ताकि टू प्लंडर, प्लंडर द कैंप ऑफ द रिट्रीटिंग कुरैश, कि वो प्लंडर होता है माल गनीमत, कैंप के उनके जो खेमे लगे हुए हैं, यानी कि कुफार के जो खेमे हैं वहाँ से माल गनीमत जमा कर सकें. रिट्रीटिंग होता है नाकाम होने वाले जो होते हैं ना जंगजू, जो वापस मुड़ जाते हैं डर के मारे. अब वो भाग रहे हैं कुरैश, यानी कि कुरैश के कुफार डर के मारे पीछे भाग रहे हैं, तो उनको जाता हुआ देखकर जो तीर अंदाज है उन्होंने सोचा कि ये तो अब जा रहे हैं, हम क्यों ना इनके कैंप से, इनके खेमों से माल गनीमत जो है
वो जमा करें, तो वो उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी। अब यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म उन्होंने नहीं माना, आपने फरमाया भी था कि चाहे कुछ भी हो जाए जगह नहीं छोड़नी, तो इसलिए मुसलमानों को सबक तो मिलेगा ना इससे फिर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे लेसन का पार्ट 1 कम्प्लीट होता है, बाकी पार्ट जो है लेसन का आप इससे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में पढ़िए।